आप सबका स्वागत है मम्मास किचन में, जो कि शोभनास किचन हो गया है। आज हम बनाएंगे बाजरे की टिक्की। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं: बाजरे का आटा 3/4 बॉल, तिल आधा बॉल और गुड़ 1 कटोरी। सबसे पहले हम गुड़ को मेल्ट करेंगे, भगोने में डालेंगे और आधा कटोरी पानी डाल के उसको गैस पे चढ़ा देंगे हल्की आंच पे, जब तक वो पूरा घुल नहीं जाए। ये बहुत ही स्वाद वाला सर्दियों का एक डिश है जो सबको बहुत पसंद आएगी। इतनी टेस्टी लगती है, हमने बचपन से ये खाई है और आज मैं आपको इसकी रेसिपी बताऊंगी। ये देखिए, मैंने इसमें बाजरे का आटा डाल दिया बोल में और तेल डाला। इस बीच हमारा गुड़ घुल रहा है, तेल डाल के हमने मिक्स कर लिया है और गुड़ का पानी भी हमारा तैयार है। और अब हम उससे इसको माड़ेंगे, तो गूंथ लेंगे, बिल्कुल सॉफ्ट आटा बना लेंगे। ये देखिए गुड़ का पानी है, देखिए गाढ़ा भी हो गया है। और अब हम अपने हाथों से इसको सॉफ्ट डो में तैयार कर लेंगे। इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, क्योंकि गुड़ है, तिल है, सब गर्म करते हैं ये और सर्दियों में बहुत फ़ायदा भी करते हैं। बहुत ज़्यादा एकदम से पानी गुड़ का मत डालिएगा, नहीं तो ये तुरंत पतला हो जाता है। थोड़ा थोड़ा डालकर ही इसको हम डो को तैयार करेंगे। थोड़ा चिपकेगा पर आपको उसको समेट के अच्छा सा एक सॉफ्ट आटा हमको तैयार करना है। इसमें हम तेल बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए किस तरीके से मैंने अपने हाथ साफ करे और सारा आटा एक तरफ लगा के, थोड़ा सा पानी लेंगे इसको हाथ में लगा के, इसको हम पहले पेड़ा बनाएंगे और फिर इसको दबा दबा के टिक्की का आकार दे देंगे। ये देखिए बहुत मोटे भी नहीं और बहुत पतले भी नहीं। इस तरीके से हम सारे टिक्कीस तैयार कर लेंगे। गुड़ होता है इसलिए इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी हो जाता है, तो आप भी ज़रूर से बनाएं और सबको खिलाएं। आपको एक बेस्ट शेफ़ बना दूँगी मैं एक दिन जी। इसी तरह से फॉलो करिए और शेयर करिए अपने और सोशल मीडिया के ग्रुप्स में। ये देखिए, अगर ये टूटे किनारे इसके टूटे तो इसको एक सा कर दीजिए। ये देखिए कितनी सारी सब बना के पहले हम तैयार कर लेंगे, जिससे कि हमें सेकने में फिर आसानी रहती है। बहुत जल्दी बनता है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये, एकदम आराम से बनाइए। एंड इट इज़ वेरी क्रंची ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सीसेम सीड्स, जो तेल हमने डाले हैं उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची हो जाती है। मेरे यहाँ तो सर्दियों में 2-3 बार बन जाती है। हमने कढ़ाई में तेल रखा, थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और बैचेस में 2-2, 3-3 करके हम इसको सेक लेंगे। स्लो गैस पर ही सेकेंगे जिससे कि ये जले ना। स्लो गैस में अंदर तक भी सिक जाता है। ये देखिए कितनी बढ़िया सिक के तैयार है हमारी बाजरे की टिक्की। इसी तरीके से हम दूसरे बैच में और भी सेक लेंगे। ये हमारी बिल्कुल तैयार है, तो आप भी बनाइए, खिलाइए और बताइए। वीडियो की रिकॉर्डिंग में बादल भी गरज रहे हैं, वो भी आपको सुनाई दे गया होगा। ये देखिए बिल्कुल सिक गए, रेड ब्राउन रोस्टेड लग रही हैं बिल्कुल। और ये देखिए हमारी बाजरे की टिक्की इज़ रेडी।
delicious and tasty. Don't forget to hit the bell icon for the new updates also. Keep cooking. Bye-bye.